जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि योनो SBI के माध्यम से अपना जो है कार्ड किस प्रकार से जो है ब्लॉक करेंगे, और ब्लॉक करने का एक कंप्लीट प्रोसेस आपको हम बताएंगे। ये ATM कार्ड आप जो ब्लॉक करेंगे ये वेबसाइट पे आके भी जो ब्लॉक कर सकते हैं, जो कि आप देख पाएंगे यहाँ पे ब्लॉक ATM कार्ड, लेकिन हम वेबसाइट के माध्यम से ब्लॉक करने का प्रोसेस नहीं बता रहे हैं। हम योनो एप्लीकेशन के माध्यम से ब्लॉक कैसे करना इसका एक कंप्लीट प्रोसेस हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको योनो SBI को इंस्टॉल कर लेना है, उसके बाद इसमें जो यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर लेना है। ठीक, लॉगिन करने के बाद जो है आपका होम पेज जो है कुछ इस प्रकार से शो करेगा। ठीक, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि अगर योनो के माध्यम से आप जो है अपना ATM कार्ड ब्लॉक कर रहे हैं तो आपके पास यूज़र नेम और यूज़र आईडी यानी कि यूज़र नेम पासवर्ड होना चाहिए, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है तो फिर आप योनो को इंस्टॉल भी कर लेते हैं फिर भी आप इसे लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पास यूजर आईडी और ये यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है लेकिन फिर भी अगर आपको कार्ड ब्लॉक करना है तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर शो हो रहा है, इसमें लगभग 3 नंबर आपको शो हो रहा है, इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल करके जो है अपना कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। ठीक, तो चलिए आपके पास अगर यूजर नेम पासवर्ड है लॉगिन है तो यहाँ पे अपना जो है MPIN को फिलअप कीजिए, और फिल करने के बाद जो है ये आपका लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद जो आपका होम पेज जो है कुछ इस प्रकार से शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे आप सब देख पाएंगे। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे देखें अकाउंट सब डिपॉजिट लोन्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा कार्ड्स का। ठीक ना, अपडेट आने पर ये कार्ड का ऑप्शन थोड़ा सा जो है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान से आपको कार्ड के ऑप्शन वाला पे क्लिक करना है। तो जैसे कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कार्ड जो है शो करेगा कि आपका जो है कौन सा कार्ड है। यहाँ पे देखो SBI डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है, इसके नीचे भी आपको कार्ड जो है देखने को मिल जाते हैं। तो आपका जो भी कार्ड होगा उस कार्ड के आगे का वाला जो ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद जो है नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार से आपका जो शो करेगा, और यहाँ पे जो है आपका पूरा डिटेल जो है शो कर देगा। यहाँ पे डिजिटल कार्ड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और इसके जस्ट नीचा में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको ब्लॉक कार्ड का। तो आपको इस ब्लॉक कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही ब्लॉक कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे। तो दो ऑप्शन में जो है एक ऑप्शन यहाँ पे ऊपर वाला जो ऑप्शन आएगा जिसमें आपका कार्ड नंबर शो करेगा, ठीक, लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पे आपको शो करेगा। और यहाँ पे दो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि टेम्प्रोरी ब्लॉक कार्ड, मतलब कि टेम्प्रोरी मतलब कुछ समय के लिए या कुछ दिन के लिए आपका जो है कार्ड ये ब्लॉक रहेगा, उसके बाद जो है आप बैंक में जा करके यानी कि अपना ब्रांच में जा करके जो है कार्ड को फिर से अनब्लॉक कर सकते हैं। ठीक, ये आप अगर टेम्प्रोरी अगर ब्लॉक करते हैं तो आपको बैंक से जा करके ही जो है आप अनब्लॉक कर पाएंगे, आप खुद से ऑनलाइन के माध्यम से ब्लॉक अनब्लॉक नहीं कर पाएंगे। ठीक, उसके बाद एक ऑप्शन आता है परमानेंट ब्लॉक का, ठीक ना, परमानेंट ब्लॉक का। ठीक, और ये परमानेंट ब्लॉक आपको तभी करना है जब ये आपका खो जाता है या फिर आपका कोई चोरी कर लेता है, तब जाके आपको परमानेंट ब्लॉक करना है। ठीक ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम टेम्प्रोरी ब्लॉक के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो कुछ इस प्रकार से जो है मैसेज शो करेगा, और इसमें आपसे पूछा जाएगा क्या आप श्योर हैं कि कार्ड को जो है टेम्प्रोरी रूप से ब्लॉक कर दिया जाएगा। अगर एक बार आप इसे टेम्प्रोरी ब्लॉक करते हैं तो आपको अगर अनब्लॉक करना है तो ऑनलाइन के माध्यम से नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको ब्रांच जाना होगा। अगर यहाँ करना चाहते हैं तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर यस पे क्लिक नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर यस पे क्लिक करते हैं तो मेरा कार्ड जो है टेम्प्रोरी ब्लॉक हो जाएगा, उसके बाद फिर से हमको जो है ब्रांच जाना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे आपको यहाँ तक का प्रोसेस बता रहे हैं। इसके जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे आपका हो सकता है कि आपसे OTP मांगेगा जो कि आपके मोबाइल नंबर पे आएगा 6 अंक का, ठीक ना, वो OTP आपको फिल कर देना। ठीक, उसके बाद आपका जो है जो भी ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का या फिर सबमिट का आप क्लिक करके जो कार्ड को टेम्प्रोरी ब्लॉक कर देंगे, या फिर जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो हो सकता है आपका कार्ड डायरेक्ट ब्लॉक कर देगा क्योंकि आप लॉगिन करके ही ये सारा काम कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम नो के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वापस हम दोबारा पीछे वाला पेज पे आ गए, और यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन में आता है परमानेंट ब्लॉक का। ठीक, तो परमानेंट ब्लॉक आपको तभी करना है जब आपका खोता है या फिर कोई चोरी कर लेता है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे सेम उसी तरह से जो है इंटरफेस आपको देखने को जाते हैं। यहां पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप परमानेंट रूप से अपना कार्ड को ब्लॉक करना चाहते हैं। अगर एक बार ब्लॉक कर देंगे तो आप जो अपने कार्ड को यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक, अगर करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करना है, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है। अगर आप यस पे क्लिक करते हैं तो हो सकता है कि क्योंकि आप लॉग इन करके इसमें आप आए हुए हैं, इंटर किए हुए हैं योनो में, तो आपका डायरेक्ट जो है
कार्ड को ब्लॉक कर देगा या फिर आपसे जो है ओटीपी मांगेगा तो अपना ओटीपी को देके फिल कर देंगे। हम आपको यहीं तक का प्रोसेस बता रहे हैं, इसे आगे हम अगर करते हैं तो मेरा कार्ड जो है परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी जो ब्लॉक नहीं करना है। तो यहाँ तक हम आपको बता दिए, इससे आगे का अगर कुछ भी ऑप्शन आता है तो आप रीड करके पढ़ करके जो है अपना आगे का कोई भी ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये था आज का वीडियो, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।